हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी जो कंपाउंड के गिवन नेम से उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। ये है जो आपका टॉपिक है नाइन्थ क्लास का। तो देखो, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी वैलेंसी पे, तो आपको वैलेंसी निकालनी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसके लिए जो मेन काम होता है वो आपको एलिमेंट्स के जो एटोमिक नंबर पता होने चाहिए, उनके सिम्बल्स पता होने चाहिए और देन उनकी वैलेंसी पता होने चाहिए। तो वैलेंसी मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ निकाल के भी दिखाऊँगी। तो जो अपना सबसे फर्स्ट है वो क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो देखो, सबसे पहले आपको इसके सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का मतलब होता है Na, देन ऑक्साइड का मतलब इसमें क्या इंक्लूड हुई है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन। अब हमें इनकी वैलेंसी लिखनी होती है, तो कैसे लिखेंगे हम इनकी वैलेंसी। देखो, अपना जो सोडियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, 2, 8 एंड 1। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपना दे देता है। तो मैंने क्या बताया था कि स्टेबिलिटी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े या लेने पड़े उनको ही हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। तो यहाँ से जो अपना सोडियम है इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो यहाँ से अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसे होगा, 2 एंड 6। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 6 दे दे और या तो ये 2 ले ले। तो कौन सा ही होगा, 2, तो इसकी वैलेंसी होती है -2। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी -2। अब हमें करनी होती है इनकी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा Na2NO। तो ये है अपना क्या, सोडियम ऑक्साइड। सिंपल, हमने क्या करना है, उसकी वैलेंसी निकालनी, पहले उनके सिंबल लिखने हैं, उसके बाद उसकी वैलेंसी निकालनी है और उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। वैलेंसी के लिए आप ये देख सकते हो कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े या देने पड़े उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी। तो अपना फर्स्ट का क्या हो जाएगा, Na2O। अब जो अपना सेकंड एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो देखेंगे। तो अपना जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जो एल्यूमिनियम के लिए जो सिंबल यूज होगा वो क्या होगा, अपना Al। और जो क्लोराइड है इसमें क्या यूज हुआ है, क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Cl। अब हमें इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2, 8, 3। अब यहाँ से ये 3 दे दे तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबिलिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसकी वैलेंसी होती है +3। ऐसे ही हम Cl का लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। अगर अब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाएगा, स्टेबिलिटी वाला, 2, 8, 8। तो यहाँ से इसकी जो वैलेंसी होती है -1। अब हमें करनी होती है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al और इसके साथ Cl के साथ हो जाएंगे 3। तो AlCl थ्राइस, ये होता है अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना, सोडियम सल्फाइड। थर्ड इज सोडियम सल्फाइड। तो जो सोडियम के लिए सिंबल होता है अपना Na, और जो सल्फाइड, सल्फाइड में कौन सा एलिमेंट यूज हुआ होगा, सल्फर। तो इसका लिखते हैं हम S। ऐसे ही अब हम इनके वैलेंसी निकालेंगे। जो Na है इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। अब स्टेबिलिटी के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो हटा देता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है +1। और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2, 8, 6। स्टेबिलिटी के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो जो इसकी वैलेंसी होती है -2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, Na2S। तो सोडियम सल्फाइड का हो जाएगा Na2S। ठीक है, उसके बाद है अपना फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो अपना फोर्थ है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल होता है वो होता है Mg, हाइड्रोक्साइड के लिए होता है OH। अब जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी जो वैलेंसी हमें याद रखनी थी, तो जो OH था, कार्बोनेट था, सल्फोनेट था, हाँ, इनकी जो वैलेंसी हमें याद रखनी थी। तो जो OH की वैलेंसी होती है वो होती है -1, और Mg मैग्नीशियम है 12, तो 2, 8, 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2।
तो ये क्या हो जाएगा Mg, और ये जो दो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा OH ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। अब जो अपना फिफ्थ एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड में क्लोरीन यूज हुआ होगा। अब Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें क्या लिखेंगे M2 8 N2। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ से ये दो डोनेट कर देता है, तो जो इसकी वैलेंसी होती है +2। ऐसे Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17 2 8 7, स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है 2 8 8 हो जाता है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा MgCl2, तो जो अपना मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। अब अपना जो बचता है लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट, जो लास्ट है अपना वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca, और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। अपना जो कार्बोनेट होता है इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। अब कैल्शियम की हम निकाल लेते हैं, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 2 8 8 2, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्टेबिलिटी के लिए ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दे देता है, जैसे ही अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी होती है +2, तो ये क्या हो जाएगा Ca2CO3 ट्वाइस। और अगर यहाँ पे सेम डिजिट हो तो वहाँ से, मतलब कॉमन फैक्टर हो किसी भी डिजिट का, तो वहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बचेगा वो होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे हम किसी भी जो गिवन कंपाउंड की नेमिंग से उसका जो फॉर्मूला है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये टॉपिक है वो कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।